जय गुरु। आज परम पूजा श्री बड़ौदा की 28वीं तीर्थधाम तिथि है। उसी अवसर पर आज पूजा श्री बड़ौदा के बारे में कुछ दिव्य स्मृति आलोचना करते हैं। श्री देवी प्रसाद मुखर्जी दा पुरुलिया जाने के लिए श्री बड़ौदा से अनुमति लेने शुक्रवार के दिन गए। श्री बड़ौदा उनसे बोले कि मंगलवार तक लौट आना। श्री देवी दा पुरुलिया के मनोरंजन महंतीदा के घर में रहे थे और आसपास घूम घूम कर जाजान और दीक्षा दे रहे थे। सोमवार के दोपहर में सत्संग के दौरान श्री दुलाल मजुमदार और श्री अन्नदा हालदार से मुलाकात हुई। वे दोनों उसी दिन देवघर से लौटकर आए थे। वे श्री देवीदा से बोले कि श्री श्री बड़ौदा आपको मंगलवार के अंदर देवघर लौटने के लिए बोले हैं। श्री देवीदा की इच्छा थी कि एक और दिन रहने से जाजन और कई दिख्या हो जाती। वो सोचते थे कि मंगलवार की जगह बुधवार को लौट जाएंगे, लेकिन दुलाल दा और अन्नदा के द्वारा दोबारा मंगलवार तक लौटने की बात सुनकर वो ट्रेन पकड़कर लौट आए। लौटने के समय देवीदा मन ही मन अफसोस करके सोच रहे थे कि एक दिन और ठहर जाने से ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन श्री श्री बड़ौदा की बात को टालने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे। बुधवार की संध्या होते होते आकाश में घोर काला बादल छा गया एवं कुछ ही देर में तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। आंधी के कारण चारों तरफ बिजली का खंभा और पेड़ गिरने का समाचार मिला। सबसे आश्चर्य की बात थी कि देवीदा जिस ट्रेन से बुधवार को लौटने का विचार किए थे, वही ट्रेन मधुपुर में डिरेल्ड हो जाने का कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई लोग मारे गए एवं अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। श्री श्री बड़ौदा के निर्देश का मानने का कारण देवीदा दुर्घटना से बच गए। और एक आलोचना है, साक्षात शिव दर्शन। 1953 की बात है। सुबह लगभग 10 बजा था। सोडेसी भवन में एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। श्री कृष्णचंद्र साहू उस सपेरे को बुलाकर लाए थे। श्री श्री बड़ौदा के साथ ही साथ परिवार और अन्य लोग भी सांप का खेल देखने इकट्ठा हुए थे। सपेरा 3-4 पिटारी से बिसेला सांप निकल कर खेल दिखा रहा था। श्री श्री बड़ौदा एक पिटारे की तरफ इशारा करके पूछे, उसमें कौन सांप है? संपरा ने कहा, कुछ देर पहले पकड़ा हुआ एक भयंकर बिसेला करते सांप है, उसका 20 दांत अभी तोड़ा नहीं गया, इसलिए उसे नहीं दिखा रहे हैं। श्री श्री बड़ौदा के आग्रह पर सपेरा सभी को दूर हटने कहकर उस पिटर के ढक्कन को हटाया। ढक्कन हटाने के साथ ही साथ एक विशाल करेत रौद्र रूप में फल उठाकर सपेरा पर आक्रमण किया। सपेरा डर के मारे दूर हट गया। उपस्थित सभी डर से हल्ला करते हुए इधर उधर भागने लगे। सांप का रौद्र रूप देखकर श्री श्री बड़ौदा आगे बढ़कर उसको पकड़े और अपने गले में माला की तरह पहन लिए। उनके गले का स्पर्श मिलते ही क्रुद्ध सांप तुरंत शांत हो गया। श्री श्री बड़ौदा सांप के माथे पर प्यार से अपना हाथ सहलाते रहे। उपस्थित सभी लोग डर से सहमे हुए थे और सांप चुपचाप श्री श्री बड़ौदा के हाथ के स्पर्श का आनंद उठा रहा था। कुछ देर बाद श्री श्री बड़ौदा सांप को नीचे रखे पिटारे में रख दिए। सपेरा साथ ही साथ पिटारे का ढक्कन बंद करके झटपट सामान बांधकर पैसा बिना लिए तेजी से जाने लगा। श्री श्री बड़ौदा केस्टो साहूदा से उसे कुछ रुपये देने बोले। केस्टो साहूदा दौड़कर उसे रुपये देने गए तो वो लेने से मना कर दिया। बाद में जब केस्टो साहूदा बोले कि श्री बड़ौदा उसे रुपये लेने बोले हैं, तब जाकर दोनों हाथ से
रुपया लेकर माथे से लगाते हुए दो तीन बार कहा, ये तो साक्षात शिव है। निस्वार्थ सेवा। श्री श्री ठाकुर के देवघर आने के कुछ वर्षों के बाद की घटना है। उसी समय श्री श्री बड़ौदा सत्संग नगर देवघर के गुलाब बाग में रहते थे। एक बार श्री श्री बड़ौदा गाड़ी से ठाकुरबाड़ी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में रंग नभिला के पास आम के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अचेतन अवस्था में दिखाई दिया। गाड़ी रोककर श्री श्री बड़ौदा नज़दीक जाकर देखे तो पता चला वो एक गुरु भाई था। उसका नाम अनिल मुखर्जी है। वो पावना आश्रम में रहता था। सभी लोग उसे अनिल पगला कहकर संबोधन करते थे। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जब श्री श्री बड़ौदा उसे उठाते तो उसके पूरे शरीर में घाव था और पूरे शरीर से गंदगी की बदबू आ रही थी। श्री श्री बड़ौदा उसे गाड़ी में लिटाकर अपने घर पर ले आया, स्नान और साफ कपड़े पहनाकर खाना खिलाया। स्नान करने के पहले गर्म पानी में नीम का पत्ता डालकर उसे खौलाकर उस पानी से बहुत प्यार से उसके शरीर की सफाई स्वयं किए। इसके अलावा डॉक्टर की दवाई तो चल रही थी। कई महीनों की सेवा के बाद वो स्वस्थ हो गया। अनिल दास श्री श्री बड़ौदा को पिताजी कहकर संबोधन करता था। श्री श्री बड़ौदा उसे जीवन पर्यंत अपने देखभाल में रखे। जीवन में सुख दुख सब कुछ का प्रयोजन है। आर्यम्मा सन्याल पूजनीय टिटी दी श्री श्री बड़ौदा की नतिनी है। श्री श्री बड़ौदा एक दिन उनसे पूछे, तुम्हारा सबसे प्रिय भोजन क्या है? वो बोली, गरम गरम भात, मक्खन और लटपट पतला पपीता की सब्जी। श्री श्री बड़ौदा बोले, तुम कल से रोज़ दोनों बेला एक महीने तक सिर्फ यही खाना खाओगी। पूजनीय टिटी दी उसके बाद से नित्य दोनों बेला बहुत आनंद के साथ खाने लगी। प्रथम तीन चार दिनों तक तो वो बहुत आनंदपूर्वक बीता। 10 दिनों के बाद से उनका सबसे रुचिकर खाना धीरे धीरे और रुचिकर लगने लगा। 3रे सप्ताह बीतते बीतते नित्य महीना पूरा होने का इंतजार करने लगे। 1 महीना पूरा होने के बाद श्री श्री बड़ौदा के पास जाकर बोली, आज 1 महीना पूरा हो गया है, आप पुनः सब कुछ खाने की अनुमति मांगी। श्री श्री बड़ौदा पूछे, 1 महीने तक अपना सबसे प्रिय खाना खाने में कैसे लगा? पूजनीय टिटी दी पूरे महीने का अनुभव विस्तार पूर्वक व्यक्त की। श्री श्री बड़ौदा बोले, तब समझ में आया, अच्छा लगना कितना अपेक्षाकृत है, इसलिए जीवन में सुख दुख सब कुछ का प्रयोजन है। जय गुरु।